वंदे मातरम दोस्तों, विनायक कंप्यूटर टाइपिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हमारी कंप्यूटर की पहली वीडियो है आज। ये हमारा यूट्यूब पे नया चैनल है, अभी हमने नया वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। इस चैनल के माध्यम से आपको सभी तरह के एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी, जैसे कि SSC, MBBSC, सभी एग्जाम, चाहे वो बैंकिंग का गवर्नमेंट एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में जो कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर पूछा जाता है वो आपको यहाँ पर पूरा पूरा समझाया जाएगा। डेली की डेली या कुछ दिनों में आपको एक नई वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी हर एक टॉपिक की, और आपको पूरा पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया जाएगा, स्पेशली CBCET वगैरह एग्जाम्स के लिए। क्लियर गाइस? तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना कीजिए, हम अपने टॉपिक पर आते हैं सीधा। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, मॉडेम समझना है तो गाइस जरा समझिए मॉडेम क्या होता है। MODEM मॉडेम, MODEM मॉडेम। इसमें गाइस मॉडेम का में जो MO है, इसमें MO का मतलब होता है मॉड्यूलेशन। गाइस क्या होता है? मॉड्यूलेशन। क्लियर गाइस? इसमें DEM का मतलब होता है डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन, ठीक है गाइस? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, इसमें जो मॉड्यूलेशन होता है वो डेटा को डिजिटल से एनालॉग में चेंज करता है गाइस, डिजिटल से एनालॉग में। और डीमॉड्यूलेशन डेटा को एनालॉग से डिजिटल में चेंज करता है। क्लियर गाइस? इस तरह से मॉड्यूलेशन डिजिटल से एनालॉग और डीमॉड्यूलेशन एनालॉग से डिजिटल। क्लियर गाइस? तो ये होता है हमारा मॉडेम। यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि मॉडेम का कार्य क्या होता है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि मॉडेम का वर्क होता है डेटा को एनालॉग से डिजिटल में चेंज करना और डिजिटल से वापस एनालॉग में चेंज करना। क्लियर गाइस? दूसरी बात, जो मॉडेम होता है, मॉडेम को जो कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है वो किया जाता है टेलीफोन लाइन केबल के द्वारा। किसके द्वारा? टेलीफोन लाइन केबल के द्वारा। क्लियर गाइस? अब आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ने ये तो समझा दिया कि मॉडेम में डिजिटल से एनालॉग होता है, एनालॉग से डिजिटल होता है, मगर ये डिजिटल और एनालॉग है क्या चीज? तो गाइस समझिए, डिजिटल जो चीज है, डिजिटल हमारा समझता है, डिजिटल भाषा को समझता है कंप्यूटर। कौन? कंप्यूटर। और वही एनालॉग सिग्नल्स को समझता है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया। क्या? ट्रांसमिशन मीडिया। अब इन दोनों को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि एक्चुअली में दोनों की दोनों चीजें है क्या। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज को समझिए, एक छोटा सा डायग्राम है, उस डायग्राम से एक सेकंड में भी क्लियर होता है। देखिए समझिए, पहली बात, एक ये दो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है। क्लियर गाइस? इन दोनों को मैं कनेक्ट करता हूं, मॉडेम लगाया था साहब, ये मॉडेम गया, ये दो मॉडेम्स लगा दिए मैंने। क्लियर? ये हमारे मॉडेम है। ऐसे कई सारे कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर्स में अलग अलग मॉडेम लगते हैं, बहुत सारे मॉडेम्स होते हैं। आप जरा समझना गाइस, डेटा, ये कंप्यूटर, ये हमारा समझेगा डिजिटल लैंग्वेज, ये हमारा क्या समझेगा? डिजिटल लैंग्वेज, ये समझेगा हमारा डिजिटल लैंग्वेज। अब डेटा भी यहां से निकला तो ये डिजिटल के रूप में निकला, सीधा गया, और डेटा इसमें आया किस रूप में आया? एनालॉग। अभी डेटा यहां से निकला गाइस, डेटा यहां से निकला, यहां पर वो डिजिटल, अब यहां पे आई केबल। क्या आई है? केबल। ये केबल के माध्यम से डेटा चेंज हो जाएगा हमारा एनालॉग में। तो ये जो केबल है, इस केबल का नाम है ट्रांसमिशन मीडिया। क्या नाम है गाइस? ट्रांसमिशन मीडिया। तो डाटा डिजिटल से गया इस मॉडेम तक, और मॉडेम में इस केबल ट्रांसमिशन मीडिया हमने इसको चेंज किया एनालॉग में। अब यहां तक एनालॉग में चला और एनालॉग से वापस किस में चेंज हुआ? डिजिटल में। किस में चेंज हुआ? डिजिटल में। यानी कि हम कहें हमारा डाटा डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से वापस डिजिटल में चेंज हुआ। क्लियर गाइस? तो ये है मॉडेम। अब मॉडेम होता है दो प्रकार का, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडेम। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जरा समझिए। पहला होता है हमारा इंटरनल। क्या होता है? इंटरनल। पहला है हमारा इंटरनल,
दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि आंतरिक, नाम समझ मेरा आंतरिक, ये सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, ये किसके होता है सिस्टम यूनिट के अंदर। अब ये आंतरिक है तो ये बाहरी हो गया, तो ये सिस्टम यूनिट के अंदर तो ये सिस्टम यूनिट के बाहर। तो इंटरनल मॉडेम पाया जाता है सिस्टम यूनिट के अंदर और एक्सटर्नल सिस्टम यूनिट के बाहर, यानी इसको बाहर से अलग से जोड़ा जाता है। तो ये तो था गाइस हमारा मॉडेम, कि मॉडेम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एग्जाम में मॉडेम का सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है कि मॉडेम की स्पीड को किसमें मापा जाता है, मॉडेम की स्पीड को किसमें मापा जाता है। तो मॉडेम की स्पीड को गाइस BAUD बॉड, बॉड में मापा जाता है। दूसरा फेमस क्वेश्चन, डिजिटल से एनालॉग में चेंज करने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था डिजिटल से एनालॉग में चेंज करने के लिए मॉड्यूलेशन, किसका मॉड्यूलेशन, और एनालॉग से डिजिटल चेंज करने के लिए डीमॉड्यूलेशन। क्लियर गाइस। तो ये कुछ फेमस क्वेश्चंस थे जो बहुत ज्यादा एग्जाम पूछे आते हैं। इसी तरह से आज हमारा मॉडल क्लियर हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे ईमेल। ईमेल क्या होता है, ईमेल में क्या क्या किया जाता है, ईमेल कैसे वर्क करता है, ईमेल की दुनिया में क्या यूज है, और गवर्नमेंट एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस किस तरह से बनती है। तो इस तरह से गाइस हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। क्लियर गाइस। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम।